प्रदेश में बदमाश इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि मानो हरियाणा में कानून नाम की कोई चीज ही ना हो। आए दिन हत्या, बलात्कार या फिर चोरी के मामले सुनने को मिले। जींद में भी क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ हाड़वा में जमीन विवाद को लेकर बदमाशों ने जमकर गोलियां बरसाई। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के भाई की माने तो सतबीर नाम के व्यक्ति और उसके बच्चों ने गोली मारी। क्या कुछ कहा मृतक के परिजन ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये पूरा मामला जी मारा धरती का रोड़ा था तो उन्हें गोली मार दी। कौन है आपका? ये मेरा भाई है जी बेटा। कौन से गांव का? आडवा से जी। आडवा से? हाँ जी। मारी है गोली? ये सतबीर ने और सतबीर के बड़का ने मारी जी। कितने गोली? दो गोली लग रही है जी। चार पांच आदमी थे, एक अन्य है, चार पहचाने लिए जी। किस चीज पे आए थे गोली मारने वाले? अल्टो गाड़ी में थे। तो डेथ हो गई भाई? हाँ जी। कितने साल का जी? ये हो गया जी कम से कम 55-56 साल का। धरती पे विवाद हुआ आपका? हाँ जी। कितने किले पे? मारा 10-15 मरले बरोड़ा था जी। पिछले काफी सालों से था? काफी साल रजिस्ट्री हो रही है इसमें। अच्छा। हाँ, माम ने कब्जा लेना था, माम कोर्ट के थ्रू कब्जा लेना था, वहाँ थे झगड़ा नहीं करना था वहाँ थे। हाँ, किसने कार्रवाई करते हो? क्या जी कार्रवाई? क्या कार्रवाई जी? माम ने इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ चाहिए माम ने, और क्या चाहिए जी। क्या नाम है? सत प्रकाश है जी। मृतक के भाई का आरोप है कि उसके भाई पर दो गोलियां चलाई गई। हमला करने वाले पांच लोग थे, जिनमें से परिजनों ने चार लोगों को पहचान लिया है। हमलावर ऑल्टो गाड़ी में सवार होकर आए थे। पिछले कई सालों से चल रहे विवाद को लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जींद सिविल अस्पताल पहुंचा दिया है और हथियारों की तलाश शुरू कर दी है। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।